नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः, ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महाप्तीप्ताय अनंत संचार चक्र परिमार्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धनेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका त्रावक त्राविका प्रमुख चतुर्संगोपचरक विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अस्माकम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज तत्शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज संगस्त ब्रह्मचारी सुमन शास्त्री दीदी वह ब्रह्मचारी नंदा शास्त्री दीदी वह आज के समस्त शांति धारा कर्ता परिवार आज एक गज की राशि श्रीमान रविंद्र कुमार जी जैन अंकुर जी जैन प्रधान सेक्टर 11 रोहिणी परिवार के द्वारा हॉस्पिटल के निमित्त 1,00,000 रुपए की राशि यहाँ पर एक गज की दी गई। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अजय जी जैन, रितु जैन, रोनित जैन, अनिशा जैन, SS मेटल्स परिवार शक्तिनगर से आज का 351 लोगों का भोजन व परिवार के द्वारा शांति धारा श्रीमती सरोज जैन पत्नी श्री सुभाष चंद जी जैन 134 वीरनगर जैन कॉलोनी की ओर से शांति धारा सरोज जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए आपके चरणों में विनती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो। मिनल जैन के जन्मदिन के उपलक्ष में परिवार द्वारा 51 लोगों का भोजन श्रीमती राजकुमारी जैन व प्रेम किशोर जैन के कोरोना से स्वास्थ्य लाभ होने के पश्चात परिवार के द्वारा शांति धारा पूजा जैन के जन्मदिन के उपलक्ष में शांति धारा परिवार निर्मल कुमार जी शोभा जैन संदीप जैन आरव जैन अमायरा जैन 33/7 शक्तिनगर परिवार की ओर से अनिरुद्ध जैन के जन्मदिन के उपलक्ष में गरीबों को भोजन व शांति धारा परिवार के द्वारा श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष में परिवार श्री तरुण जैन राखी जैन अक्षिता व आर्जव जैन द्वारा शांति धारा व 151 लोगों का भोजन श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन गोयल समता गोयल संचिति गोयल अनवी गोयल सिवनी मध्य प्रदेश से परिवार के द्वारा शांति धारा भोजन व निर्वाण में 11,000 रुपये की राशि परिवार के द्वारा यहाँ पर दी गई। सभी परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपवायम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजोबल वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मम पत्र दून मुख संवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुख दन हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्र शीघ्र कुरु कुरु स्वाहा यत्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभ्यं क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन्ये धान्ये सदास्तु चंद्रप्रभु वासुपूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदन शीतलनाथ मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इते भयो नमः इतेन मंत्रेन नवग्रहनाम शांत्यार्थम गंधोदग्धारा वर्षणम। आज श्रीमान राजकुमार जी जैन कागजी परिवार शालीमार बाग की प्रथम पुण्यतिथि पर पत्नी सुदेश जैन भाई श्री सुरेश जी जैन परिवार के द्वारा 151 लोगों का भोजन व शांति धारा 5100 रुपये की राशि परिवार के द्वारा यहाँ पर दी गई। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। अस्माकम समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समस्त जैन समाज से देखने वाले सुनने वाले समस्त शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वश स्वाहा संपूजे का नाम प्रतिपाले का नाम ये तीन समान तपोदनानम देश से राष्ट्र से पूर से राज्ञा करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बंधुओं आने वाली 17 तारीख यानी परसों से अष्टानिका महापर्व जो कि जैन धर्म में एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 5100 रुपए की राशि देकर के 17 तारीख से 31 तारीख तक अपने परिवार की ओर से शांति धारा यहाँ पर करवा सकते हैं जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए की रखी गई है। कोई भी परिवार अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शांति धारा करवा सकता है। आप लोग कुछ सुस्त हो गए हैं। पहले हमारे पास में 700 गज जगह थी फिर 500 गज जगह ली टोटल 1200 गज हुई और आप सभी के सहयोग से अगर आप बिल्कुल चुस्त रहेंगे तो हमने 500 गज जगह और ली है। अब हमारे पास में टोटल करीब 1700 गज जगह हो गई है जिसमें करीब 1350 गज में मंदिर बनेगा वह 350 गज में हॉस्पिटल बनेगा। बंधुओं
मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसे पुण्य कार्य में आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज 2 गज 5 गज या 11 गज देकर के इस हॉस्पिटल का निर्माण हमें जल्दी से जल्दी करना है, जिससे आने वाली तीसरी लहर, चौथी लहर या पांचवी लहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। बंधुओं, भगवान पार्श्वनाथ का हम सभी पर आशीर्वाद रहेगा कि जो व्यक्ति अपने भूमि दान इस मंदिर जी में, इस हॉस्पिटल में देगा, उसके परिवार को कोरोना कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे वैक्सीन लग जाएगी और वो वैक्सीन और कोई नहीं भगवान पार्श्वनाथ लगा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने परिवार की तरफ से ये भूमि दे करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं। आने वाली 15 अगस्त को हम यहाँ पर ओपीडी के लिए पीछे की जो जगह 80 गज है वहाँ पर ओपीडी शुरू करेंगे, जहाँ पर अभी डॉक्टर को बिठा करके साधारण इलाज हम सभी शुरू कर देंगे। उसके पश्चात जब भी हॉस्पिटल का निर्माण अब सभी के सहयोग से होगा, आगे का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। इसी तरीके से आने वाली अष्टानिका पर्व 17 से 24 तक गुरुदेव के सानिध्य में सेक्टर 7 में यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया जा रहा है। आप सभी लोग उसमें भी अपना सहयोग करें और घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से 10:45 से सुबह 12 बजे तक दोपहर पारस चैनल पर लाइव देख करके यह भी पुण्य अवश्य कमाएं। बंधुओं, केवल आपने देखा दुआ और दवा दो ही चीज हमें काम आई है, इसलिए आप सभी सहयोग करके इस हॉस्पिटल का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाएं। जय जिनेंद्र। हमारे यहाँ पर गत 13 महीनों से लगातार सुबह शांति धारा पारस चैनल के माध्यम से सुबह 10:15 लगातार शांति धारा हो रही है। आप अपने परिवार की तरफ से अपनी सुख समृद्धि व कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए शांति धारा भी 1 दिन की ₹1100, 3 दिन की ₹2100, 10 दिन की ₹5100 और 1 महीने की मात्र ₹11000 की राशि दे करके अपने परिवार की तरफ से करवा करके यह भी लाभ ले सकते हैं। इसी तरीके से गत 13 महीनों से यहाँ पर बाहर गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, सभी हॉस्पिटल में खाना भेजा जाता है। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र ₹2100 दे करके 51 लोगों का भोजन करवा सकते हैं, ₹5100 दे करके 151 लोगों का भोजन करवा सकते हैं, ₹11000 दे करके 351 लोगों का भोजन करवा सकते हैं, ₹21000 दे करके 600-700 आदमियों का भोजन गरीब परिवारों को यहां पर करवा सकते हैं। मैं पवन जैन गोदा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। बंधुओं, यह एक ऐतिहासिक चतुर्मास जो 2021 का होने जा रहा है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने परिवार की तरफ से एक मंगल कलश अपने परिवार में अवश्य रख लेना, जिससे यह कोरोना आपका कुछ नहीं कर सके। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को ये कलश स्थापना होगी और आप अपने घर में एक सुंदर सा मंगल कलश रख करके ये भावना भाएं कि ये कोरोना जैसी महामारी जो तीसरी लहर है वो हमारे बीच में नहीं आए। सभी लोग खुश रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं पवन जैन गोदा, राणा प्रताप बाग, समस्त टीम के साथ आप सभी से निवेदन करता हूँ।